हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड ये वीडियो आज का मेरा ह्यूज मीशो बैग्स हॉल होने वाला है। लाइक आई एम सुपर सुपर डुपर एक्साइटेड आप सबके साथ शेयर करने के लिए। एंड मैंने अभी तक लाइक खोला भी नहीं है, नो अनबॉक्स नहीं किया। सो मैं आप सबके साथ ही मैं अनबॉक्स करूँगी एंड देखते हैं इन सबका क्वालिटी मुझे किस टाइप का मुझे रिसीव हुआ है। एंड लाइक दे आर वेरी अफोर्डेबल। एक तो लाइक अफोर्डेबल है, बट क्वालिटी भी चेक करते हैं कि किस टाइप का है, लाइक लेने लायक है भी या नहीं। सारे डिटेल्स आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे गाइस, आप सब वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। एंड मैं इंट्रो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। सो वीडियो पसंद आएगा ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब आप सब ज़रूर कर देना। नाउ विदाउट फर्दर लेट्स जस्ट क्विकली जंप टू द वीडियो। ओके, सो सबसे पहले लेट्स ओपन दिस वन। मुझे लग रहा है आई थिंक वो पिंक वाला जो बैग है मुझे जो पसंद है वो वाला है ये। हाँ, राइट, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा बैग मुझे लगा था जब मैंने ऑनलाइन देखा। एंड ओके, सो यू गाइस कैन सी। अरे यार, आप सब देख सकते हो बहुत बहुत ज़्यादा ये प्रिटी लग रहा है। ये ना और भी लाइक कलर्स में अवेलेबल थे, लाइक ब्लैक एंड ब्लू में भी ये अवेलेबल है, बट मुझे ये कलर जो पिंक में है मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। दिस इज़ लाइक वेरी वेरी नो एस्थेटिक। और ये स्ट्रैप भी आप सबको मिलेंगे, लाइक आप सब शोल्डर बैग की तरह भी इसको कैरी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप सबको ये प्लास्टिक का भी ये चेन मिलेंगे। इसमें अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा कंपार्टमेंट नहीं है, सो आप सबको सिर्फ एक ही मिलेंगे कंपार्टमेंट। इतना छोटा भी नहीं है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, एकदम प्रॉपर साइज में है। आपका फ़ोन वॉलेट बहुत ही ईजिली प्रॉपरली आ जाएंगे। दो यहाँ पे जो चेन है उसका शेप थोड़ा सा छोटा है, फिर भी एडजस्ट हो जाएंगे। दिस इज़ हाउ इट लुक्स गाइस। मैंने इसका स्ट्रैप वगैरह मैंने लगा दिया है, सो आप सब इजीली इसको एज अ यू नो शोल्डर बैग आप सब कैरी कर सकते हो। ये इसका शेप थोड़ा सा मुड़ा हुआ आ रहा है क्योंकि अंदर कुछ भी नहीं है। सब डेफिनेटली इस पर इन्वेस्ट कर सकते हो। इट कॉस्ट मी ओनली 414 अंडर 500 के यू नो प्राइस पॉइंट में। ये बहुत अमेजिंग सा ये बैग है, मुझे बहुत क्यूट लगा। आप सब डेफिनेटली इस पर जा सकते हो। नेक्स्ट वाला खोलते हैं गाइस। ओ गॉड, जो मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार था वही बैग मुझे रिसीव हुआ है। ओ गॉड, दिस इज सो क्यूट। ये थोड़ा सा इसका जो मटेरियल है, जो फर है, थोड़ा सा निकल रहा है, व्हिच आई एम नॉट लाइकिंग, बट या ये बहुत ही ज़्यादा फ्लफी है एंड आई एम एंजॉइंग दिस वन। इट्स वेरी वेरी सॉफ्ट मटेरियल एंड इट कॉस्ट मी 407। सो अंडर 500 के प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ये ठीक है। आप सब देख सकते हो बहुत बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट एंड फ्लफी है। अंदर ना एक्स्ट्रा कंपार्टमेंट नहीं है, सो येस, अंदर एक्स्ट्रा कंपार्टमेंट आप सबको नहीं मिलेंगे। अंदर कुछ इस टाइप का है, एकदम से नो टॉप नॉच वाला क्वालिटी नहीं है, बट फिर भी यार चल जाएंगे, लाइक इट्स क्यूट। अगर आप सबको ये ट्राई करना है देन आप सब डेफिनेटली इस पर जा सकते हो अंडर 500 में। इट्स वेरी अमेजिंग। इसका कुछ खुद का शेप नहीं है, एकदम इस टाइप से बैंड हो जाता है, बट जो भी अंदर आप सब कुछ रखेंगे देन ये अच्छे से शेप मेंटेन रहेंगे। ईजिली आप सबका फ़ोन वॉलेट जो भी असेंशियल चीज़ें हैं आ जाएंगे, उतना स्पेस तो है इसमें। सो यस, गो फॉर इट गाइस। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर बैग जो कि मुझे रिसीव हुआ है। ठीक है, मैं शेप को पकड़ के ही यू नो मैं ट्राई कर रही थी कि मुझे जो बैग देखना है पहले वही आ जाए। सो यस, आई वॉज राइट, ये वही बैग है। बहुत ही ये छोटा है एक्चुअली। जब मैंने रिव्यू देखा था, यू नो डिस्क्रिप्शन में लोग रिव्यूज़ डालते हैं ना, वहाँ पर मुझे साइज़ इसका बहुत ही बड़ा लगा था, बट दिस इज़ लाइक वेरी पिद्दू साइज़ में। दिखने में ये बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है, यू नो एकदम प्रॉपर इस टाइप का जो शेप मेंटेन रहता है बैग, उस टाइप का मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। व्हाइट में मैंने ये लिया है एंड इट कॉस्ट मी 387 ओनली। सो अंदर आप सबको या पेपर एंड स्ट्रैप भी मिलेंगे जो कि आप सब साइड में लगा सकते हो एज अ लाइक यू नो स्लिंग की तरह आप सब ले सकते हो। यहाँ पे एडजस्टेबल है, सो एडजस्ट करके आप सब लाइक कैरी कर सकते हो। मुझे जब ये यू नो मॉडल वेयर कर रहा था, बैग को कैरी कर रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा इसका लुक बहुत अच्छा लगा था। मुझे लगा कि ये थोड़ा सा बिगर साइज में आएंगे, बट ओके आई डोंट थिंक सो इसमें लाइक फ़ोन वगैरह आएंगे। दिस इज़ हाउ इट लुक्स अंदर से।
सिर्फ एक ही कंपार्टमेंट है इसका एंड आप सब देख सकते हो मेरा हाथ सिर्फ इतना ही लाइक घुसता है इसमें, जस्ट ऐसे ही लेने के लिए अगर आप सब देख रहे हो तो ले सकते हो, बट मुझे ये इतना ज्यादा यूजफुल नहीं लगा एंड उसका क्वालिटी भी इतना मुझे पसंद नहीं है। साइड में आप सब देख सकते हो टॉप नॉच वाला क्वालिटी नहीं है। हाथ में जस्ट कैरी करने के लिए ये नाइस है, लाइक प्राइस पॉइंट के हिसाब से ओके है, बट फिर भी माइनस पॉइंट है, लाइक आप सब इसमें कुछ भी कैरी नहीं कर सकते हो। सो ये था मेरा परचेस एंड नेक्स्ट वाला बैग देखते हैं क्या है। मुझे लगता है कि ये डियोर वाला बैग होंगे। ओके आई वाज राइट। सो ओ तो इस टाइप का मुझे ये बैग रिसीव हुआ है। शेप से आप सब एकदम से देख पा रहे हो ना, एकदम डियोर के बैग के जैसा है। ये मुझे कॉस्ट किया है 426 एंड मुझे ये क्वालिटी बहुत बहुत ज़्यादा ये पसंद आया है। स्ट्रैप थोड़ा सा नो थिक होते तो अच्छा लगता और भी, बट फिर भी गाइस अंडर 500 में ये बहुत बहुत अमेजिंग वाला ये बैग मुझे लगा है। एकदम डिट्टो, लाइक डिट्टो नहीं, लाइक थर्ड कॉपी फोर्थ कॉपी जो भी हो उस टाइप का कॉपी है ये, बट फिर भी एज नॉर्मल आप सब लाइक कैरी करना चाहते हो बैग देन लाइक अच्छा है। थोड़ा सा उल्टा फुल्टा टाइप शेप का है बट फिर भी अमेजिंग क्वालिटी इज। प्यू लेदर वाला ये मटेरियल है इसका। सो अंदर कुछ इस टाइप का है चेन। देखते हैं कंपार्टमेंट कितना है इसमें। बहुत बहुत सारा ओके स्ट्रैप भी है इसमें। सो स्ट्रैप मुझे ये अच्छा लगा, ये भी मोटा स्ट्रैप। बहुत सारे प्लास्टिक्स यहाँ पे दिया गया है ताकि शेप मेंटेन रहे और आप सबको एक और यू नो कंपार्टमेंट में मिलेंगे, साइड में है। सो ओवरऑल ये इसका क्वालिटी मुझे ये अच्छा लगा है, एकदम क्रॉको काइंड ऑफ लाइक जो प्रिंट होता है डिज़ाइन होता है उस टाइप का है। आप सब लाइक लिटरली जब टच करोगे फील कर पाओगे, बहुत ही टेक्सचर्ड वाला ये यहाँ पे डिटेलिंग है। कैजुअली कैरी करोगे दिस वन दिस इज गोइंग टू लाइक लुक वेरी गुड। मुझे ये काफ़ी हद तक अच्छा लगा है। ओनली जस्ट ये स्ट्रैप थोड़ा सा ये थिक होने से और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, यू नो शेप प्रॉपर मेंटेन रहने से। बट कोई नहीं, आप सबको तो एक्स्ट्रा स्ट्रैप यहाँ पे मिल रहा है जो कि काफ़ी थिक है एंड एडजस्टेबल भी है। ओवरऑल मुझे ये बैग अच्छा लगा है, आप सब डेफिनेटली ये ट्राई कर सकते हो। बहुत ही लाइक अमेजिंग क्वालिटी है एंड अफोर्डेबल भी है। सो या गो फॉर इट। नेक्स्ट ओपन करते हैं ये वाला बहुत ही हल्का फुल्का सा बैग। आई थिंक ये वो शोल्डर बैग है इसमें, अगेन ग्लिटरी सा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ वही बैग है। ओ बहुत ही अच्छा है गाइस ये, एंड मैंने लाइक एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस टाइप का आएंगे। वैसे ये ना बहुत सारे कलर्स में भी अवेलेबल है ये, बट मैंने ये ग्रे कलर में ऑर्डर किया है। ओके खुल जा भाई। गाइस दिस इज सो सो अमेजिंग, यू गाइस कैन सी कितना ये अच्छा लग रहा है ये, एंड जिस टाइप का मुझे ये यू नो स्ट्रैप अच्छा लगता है उस टाइप का ही है। सो आई एम लाइकिंग दिस वन अ लॉट। कलर्स आप सबको डेफिनेटली ये मिल जाएंगे। बहुत सारे प्लास्टिक दिया गया है जो कि आप सबको अंदर कुछ एक्स्ट्रा कंपार्टमेंट नहीं है, सिर्फ यही है। हार्डली आप सबका यहाँ पे फ़ोन आएंगे कुछ टचअप्स के लिए, वॉलेट वगैरह आ जाएंगे। उतना ज़्यादा स्पेशियस भी नहीं है, पर हाँ भाई पार्टी में अगर आप सब जाओगे तो उतना ज़्यादा सामान भी आप सब कैरी नहीं करते हो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक है। एंड तो आप सब देख सकते हो इसमें एक शीन है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ये अच्छा लगा है। पार्टीज में आप सब लाइक डेफिनेटली इसको कैरी कर सकते हो। इट लुक्स वेरी कूल एंड बहुत ही स्लीक लुक है। बाय द वे इट कॉस्ट मी 404। सो ये भी अंडर 500 में है एंड प्राइस पॉइंट के हिसाब से क्वालिटी इज वेरी अमेजिंग, बहुत ही कूल है। आप सब डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। आई विल हाईली रिकमेंड यू। ऑल कलर्स आप सबको बहुत मिल जाएंगे। एंड गाइस नेक्स्ट वाला बैग जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने वो पहले ही मैंने खोल लिया था। ये मुझे बहुत बहुत पहले ही मुझे ये रिसीव हुआ है इसलिए मैंने इसको खोल लिया। बहुत ज़्यादा मुझे लाइक खुजली हो रही थी इसको खोलने की, इसलिए मैंने इसको खोल लिया। बट प्लास्टिक एज इट इज है, मैंने अंदर देखा नहीं है, जस्ट खोल के देख के
लिया है एंड ये इतना प्यारा इसका ये लुक है, लाइक ग्लॉसी फिनिश है। इस टाइप का ग्लॉसी फिनिश वाला बैग मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ये अच्छा लगता है। सो आप सब लाइक क्लोजली देख सकते हो, बहुत ही ग्लॉसी फिनिश है इसका एंड साइज बहुत ही परफेक्ट है। आप सब लाइक जितना सामान आप सबको कैरी करना है आप सब कैरी कर सकते हो। इसमें बहुत सारा कंपार्टमेंट है, साइड से भी चेन है साइड में, अंदर बहुत सारा प्लास्टिक मिलेंगे। तो मैंने खोला नहीं था इसलिए प्लास्टिक वैसा का वैसा ही। ये क्या टूट गया भाई, कहाँ का टूटा है, आई डोंट नो क्या चीज टूटा है, बट बैग से निकला है ये। और अगेन प्लास्टिक, आप सबको लाइक साइड में कंपार्टमेंट मिलेंगे गाइस। अंदर एक कंपार्टमेंट है, तो यस टोटल आप सबको 3 कंपार्टमेंट मिलेंगे। तो इजीली आप सबका यहाँ पे सामान आ जाएंगे एंड दिस लुक्स सो गुड गाइस। ग्लॉसी फिनिश वाला ये बैग में आप सबको डेफिनेटली ये ट्राई करना चाहिए। एंड नेक्स्ट वाला मुझे लगता है कि वो वही बैग है जो मैं सोच रही हूँ। यस ये ब्लैक कलर में मैंने ये अगेन जो मैंने व्हाइट वाला दिखाया था ना गाइस उस टाइप का ही है। दिस इज हाउ इट लुक्स। ओके ब्लैक वाला ज़्यादा मुझे ये अच्छा लगा है। मैंने दोनों अलग अलग सेलर से मैंने ये बाय किया है, सेलर अलग है। तो ये जो ब्लैक वाला बैग है एकदम डिट्टो जो मैंने आप सबको दिखाया था पहले व्हाइट वाला, एकदम सेम है बट क्वालिटी के हिसाब से दोनों यू नो डिफरेंट है। ब्लैक वाला इसमें ज़्यादा यू नो फिनिशिंग अच्छा है एंड बहुत ही लाइक बहुत नहीं थोड़ा सा हैवियर साइड में है एंड ये बहुत ही लाइट वेट है गाइस। इसका प्लस फिनिशिंग भी इतना कुछ अच्छा नहीं लगा है मुझे बट इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छे से दिया गया है। और अंदर आप सबको अगेन लाइक स्ट्रैप मिलेंगे जो कि आप सब स्लिंग की तरह इसको ले सकते हो एंड इट कॉस्ट मी 423। वाइट वाले से ये थोड़ा सा प्राइसियर साइड में है बट क्वालिटी भी इसका ज़्यादा अच्छा है। दोनों का सेलर डिफरेंट है इसलिए प्राइस का थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। आप सब चाहे तो जस्ट लाइक फॉर फन ले सकते हो ब्लैक वाला, मैं आप सबको सजेस्ट करूँगी। वाइट वाले से ब्लैक वाला काफ़ी बेहतर है बट ध्यान रहे कि इसमें कुछ भी फ़ोन वगैरह नहीं आता है। तो नेक्स्ट वाला बैग देखते हैं। ओके सो फाइनली एलवी का ये बैग नेवी ब्लू कलर में मैंने ये ऑर्डर किया है एंड ये बहुत बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल है गाइस। ये मैं बहुत पहले से मैं लेने का ये सोच रही थी। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। फेक वाला नो बैग है ये, थोड़ा सा इसका जो लोगो है चीप तो लग रहा है। मुझे लगा कि ये साइज में थोड़ा सा छोटा आएंगे बट ठीक है इसका साइज ठीक है। स्ट्रैप कुछ इस टाइप का मुझे ये रिसीव हुआ है एंड गाइस इट कॉस्ट मी 295। सो प्राइस पॉइंट के हिसाब से एकदम बहुत ही ओके वाला बैग है। आई कैन डू लाइक दिस वन। आप सब देख सकते हो नज़दीक से इसका क्वालिटी और पीछे से भी आप सबको यहाँ पे चेन मिलेंगे। बहुत सारा प्लास्टिक भर भर के दिया है। ठीक है आप सबको यहाँ पे 2 कंपार्टमेंट मिलेंगे एंड को मिला के आप सबको 3 कंपार्टमेंट मिलेंगे। बहुत ही ये स्पेशियस है, आप सब जितना आपका संसार का सारा सामान आप सब लेके कैरी कर सकते हो। बट या प्राइस पॉइंट के हिसाब से अच्छा है। जस्ट कलर मुझे थोड़ा सा डल लगा, डल इन अ सेंस लाइक मुझे लगा कि ये ब्लैक कलर में है बट या डिस्क्रिप्शन में मेंशन था कि ये नेवी ब्लू में है। एज इट इज़ जो मेंशन किया है वही मुझे ये रिसीव हुआ है। कि आप सब अपना फेवरेट कलर ले सकते हो, बहुत डिफरेंट कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। एंड मूविंग टू द लास्ट बैग बट नॉट द लीस्ट, आई नो ये कौन सा वाला बैग है। ये सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल वाला बैग है मेरे हॉल में, पूरे हॉल में। यस आई वॉज राइट। ओके पिक्चर में थोड़ा सा ये डिफरेंट दिखा रहा था, अभी जब रिसीव हो रही थोड़ा सा ये यू नो इसमें कुछ शेव नहीं है, एकदम बैंड मुड़ा हुआ आ रहा है। आई थिंक इसमें प्लास्टिक ये वगैरह नहीं डाला गया है इसके लिए। देखते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स एंड इसका प्राइस ओनली 181 है। यस 181 इसका प्राइस है। सो आई एम नॉट लाइकिंग दिस वन एट ऑल गाइस टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड द मटीरियल इज ऑल्सो नॉट गुड। दिस इज हाउ द स्ट्रैप लुक्स। सो आप सब इसको खोल के नहीं रख सकते हो, दिस इज हाउ इट लुक्स अंदर से।
181 के प्राइस पॉइंट के हिसाब से हम और क्या एक्सपेक्ट करें, बट मुझे ये लगा था कि मुझे ये थोड़ा सा स्टर्डी रिसीव होंगे. ओके, कोई नहीं, आप सबको और भी डिफरेंट कलर्स में मिल जाएंगे. अगर आप सबको लाइक ट्राई करना है देन आप सब ट्राई कर सकते हो. कलर इज ओके बट आई एम नॉट लाइकिंग द पॉम पॉम काइंड ऑफ लाइक थिंग हियर. बहुत ही ज़्यादा ये वाइब्रेंट है एंड मैच नहीं हो रहा है इसके साथ. सो या आई एम रिटर्निंग दिस वन, आई एम नॉट लाइकिंग एट ऑल. एंड इसका खुद का कुछ भी शेप वगैरह नहीं है, टाइप का बैग बिल्कुल भी पसंद नहीं है. एंड बहुत ही चीप लग रहा है इसका जो स्ट्रैप है, डेफिनेटली अ नो फॉर मी. सो या गाइस, ये था मेरा आज का हॉल वीडियो. आई होप यू गाइस एंजॉय वॉचिंग एंड इफ यू डू देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. सी यू ऑल गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल.